अपने आप प्रयास करके परमेश्वरी पढ़ना लिखना बहुत जल्दी सीख गई। अब तो वो प्रौढ़ साक्षरों के लिए बनाई खास किताबें भी पढ़ने लगी है। विवाह कानून में लिखे तत्व पाटिल जी के सामने भरी ग्राम सभा को बताकर उसने पूरे गांव को चौंका दिया। इस गांव में एक ही कायदा चलेगा, ये मैं पढ़ता हूँ। अब बाल विवाह कानूनी जुर्म है। 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है। ये किताब तेरे पास कैसे? ये मेरी है। चुप, ये मैंने रखी थी, तेरे पास कैसे आई? ये मेरी है, माँ मुझे देने वाली थी। चुप, झूठी, तूने मेरे सामान से चुराई। मैं क्यों चुराऊं? ये मेरी है, माँ मुझे देने वाली थी। बहुत बोलने को पटर पटर पटर। चुप है ना? मैंने नहीं चुराई है। मेरी थैली को किसने हाथ लगाया? मैंने नहीं लगाया। चोर कहीं की? क्यों चिल्लाते हो? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया तुम्हारी स्कूल की थैली को। मेरी एक किताब गायब है और कॉपी में से कागज भी फाड़ा है किसी ने। चाचा ये, अरे यही तो है वो, तुमने चुराई? ये मेरी है, बुआ ने चुराई। अच्छा तो तूने चुराई। अब बस मैंने तो कुछ अक्षर लिखने के लिए। चोर कहीं का दीदी की कागज चुरा के उसकी नाव बनाता था। अब मेरे संदूक में हाथ डाला तूने, अपनी माँ से झूठ बोला। मैंने हाथ लगाया, सच्ची माँ कसम। चल निकाल तेरी थैली, दिखा मुझे, तब तक मैं नहीं मानूंगी। हाँ अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई भी चीज बिना पूछे उठा लेता है। आदत लग गई है इसे, ये तो चोरी हुई ना। लेकिन भाभी क्या चोरी हुआ? अरे मैंने किताब रखी थी, अचानक गुम हो गई। गोविंद देख क्या रहा है, चल निकाल तेरी थैली। चाची ये, हाँ यही तो है वो, तूने चुराई? मैंने नहीं चुराई, ये मेरी है, माँ मुझे देने वाली है। भाभी चोर तो ये रहा। क्यों भैया, मुझे बड़े चोर कहने निकले थे, अब क्या हुआ? अरे वाह, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मगर भाभी मैं तो वो तोते की तस्वीर बनाने के लिए वो किताब ले गया था। कौन चोर, कहाँ है चोर? कुछ नहीं भाभी, बस यू ही मजाक चल रहा था। मुझे सब मालूम है, ये तेरी शरारत है। मुझसे पूछे बिना मेरी अलमारी को हाथ किसने लगाया? मगर मैंने तो कुछ नहीं किया भाभी। नहीं कैसे, मेरी अलमारी से कुछ सामान गुम हो गया है। माँ ये, अरे यही तो है वो, ये किताब बैतुरे देने वाली थी अक्षर सीखने के लिए। अच्छा तो छोटी भाभी किसी को बिना पूछे उसकी चीजें उठा लेना चोरी है। मैंने कब कहा, मैंने तो यूं ही मजाक में कुछ कह दिया। तो किताब तुमने उठाई थी नानी बहू? वो हुआ यूं कि मैं भी अक्षर पढ़ने के लिए। चोर चोर पकड़ गया चोर चोर। ए चुप मुन्नी। अच्छा तो अब आप भी पढ़ना चाहती हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं दीदी, वो तो यूं ही। अरे शर्मा मत, तो मुझसे मांग लिया होता। लेकिन दीदी मैंने तुम्हारी अलमारी से नहीं ली, मैं तो तुम्हारी अलमारी को हाथ भी नहीं लगाती, ये तो उस कतरी के नीचे मिली। अच्छा मतलब चोर तो कोई और ही है, तो फिर मेरे सामान से किताब क्यों रे गोविंद? मेरे सामान को हाथ किसने लगाया? माँ कहीं तुम्हारी कोई किताब तो नहीं गुम हुई? हाँ, पर तुझे कैसे मालूम? दादी माँ ये, हाँ यही तो है वो। भाभी आप चोर किसे कहे? परमेश्वरी तू यहाँ क्या कर रही है? अब मैं तो अपनी किताब ढूंढने निकली थी और वो तो मिल गई। चोर पकड़ा गया। चुप पागल लड़की, दादी को ऐसे नहीं कहते। अरे छोड़ दी, बच्ची है। सासू जी
आप और किताब? क्या मतलब? अरे मैं तो बस देख रही थी कि उसमें क्या लिखा है। पानी का बड़ा सा कनिस्टर लेके चलते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो पड़ी थी बोझ उठा के, कौन घूमेगा? कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, अब ढूंढो कोल्ड ड्रिंक यहाँ। अच्छा बाबा गलती हो गई, मगर अब अगर तुमने मुझे जल्दी से कुछ पीने को नहीं दिया ना तो मैं मर जाऊंगा। कोई है? चलो सुनील एक न्यूज बना लो, मांधर के परिसर में उष्माघात से मृत्यु, पत्रकार की मृत्यु। चिल्लाओ कोई होगा इधर, चलो तुम लोगों को मजाक सूझ रहा और मेरा यहाँ गला सूख रहा है। तुम्हारे अकेले का? मेरी तो प्यास के मारे जान जा रही है। वीर डैम यहाँ से कितना दूर होगा? थोड़ी ही दूर होगा। वो तो तुम पिछले 3 घंटों से कह रही हो। अरे नितिन तुम तो एकदम लेट ही गए। जी हाँ, ये जो सांस्कृतिक आघात पहुंचा है ना, कल्चरल शॉक, उससे गिर पड़ा हूं मैं। इतनी दोपहर है और ना आदमी की जात नजर आ रही है, यहाँ कोई रहता भी है? ए लड़की जरा यहाँ आओ। हाँ तुम इधर आओ, एक मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? इंदु। इंदु यहाँ पीने का पानी मिलेगा कहीं? शुक्रिया। ये काली माला तुम लोग शादी के पहले पहन लेती हो? इंदु की शादी हुई है। सच इंदु? क्या उम्र है तुम्हारी? अरे तो गुदड़ी देख कितनी सुंदर है। वाह किसने बनाई? मैंने और मेरी दादी ने। बहुत सुंदर है, तुम इतनी सुंदर गुदड़ी बना लेती हो? हाँ हम सब बना लेते हैं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम है शब्बो। शब्बो मतलब ये मुस्लिम है? हाँ। मतलब तुम हिंदू और मुस्लिम, तुम दोनों के आपस में जमती है? क्या मतलब? मेरी सहेली है, बहन जैसी है। शट अप सुनील, ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? कुछ भी पूछ लेते हो तुम। अरे ओ हिंदू कहाँ है तू? आजा तुझे चांद तारे दिखा दूँ। मैंने तुझे बकरी को बांध देने को कहा था, तू इधर गुलछरे उड़ाते बैठी है। कौन लोग है ये? माँ जी हम लोग बंबई से आए हैं, ये पास में वीर बांध है ना, वहीं जा रहे हैं। कितनी कड़ी धूप है, बहुत प्यास लगी है, आसपास कोई होटल भी नहीं है। होटल? होटल यहाँ कहाँ होगा? अरे होटल की जरूरत यहाँ किसे है? हर एक का घर एक छलांग की दूरी पर। अच्छा पानी वानी पिया आप लोगों ने? हाँ हाँ पी लिया। आप पानी कहाँ से लाती हैं? पानी? ये पानी तो मैंने पाटिल जी के कुएं से लाया है। बारिश के दिनों में यहाँ की नदी की उछल कूद तो देखो, लेकिन गर्मी में बेचारी बिल्कुल सूख जाती है, क्या करे। बस 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 माँ जी, हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं पूरे मन से कहूंगी कि भगवान आपका भला करे। ये बस कर तेरा नाटक, माँ जी बुरा मान जाएंगी। अरे बेटा बुरा क्यों मानूंगी, ऐसे नाटक की मुझे अच्छी आदत है। मेरे पोते की नाटक मंडली जो है गांव में। अच्छा? हाँ। देखा तुमने, कलाकार के भाई बहन हर जगह पे बिखरे हुए होते। देखा मच्छिंदर, ओ मच्छिंदर, अरे ओ बंदर, क्या है गंगा माई? इधर आ। देखा आपने, मच्छिंदर बोलने से उसे सुनाई नहीं दिया, बंदर बोलने से सुनाई दिया। तो इसका भाई उस नाटक मंडली से है। अच्छा क्यों भाई? नहीं नहीं पत्रकार भाई, ये नाटक की मुलाकात है बाद में।
माँ जी आप मुझे ये बताइए, ये इतनी सुंदर कथरी किसने सी है? जब घी लगा के बनाई जाती है ना, तब इतनी सुंदर बनती है। अच्छा? मालूम है, मेरी एक भांजी शहर में रहती है, तो वो 2 साल के पहले आई थी यहाँ। बबुल के कांटों में उसके साड़ी का पल्लू फट गया। बोली अच्छी पुरानी हो गई है, उसका पोछा करूंगी। मैं बोली नहीं, फटी पुरानी चीज यही फेंक जाओ, और उसके बदले में हल्दी मिर्च पापड़ गुड़ ले जाए यहाँ से। तो वो पल्लू मैंने संभाल के रखी थी, वो बीच में है ना लगाया, वो वही है। और फिर वो है ना बाजू में, वो हमारी महाकाली की यात्रा होती है ना, गंगा माई। अरे खैर, तो उसमें 5 साल के पहले गंगा माई, अगर इस कुतड़ी के हर एक टुकड़े का इतिहास बताओगी तो इन्हें भागना पड़ेगा। क्यों जी, मैं ऐसी ऐसी बकबक कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं माँ जी, आप बोलते जाइए, मुझे आपकी सारी बातें सुननी है। हाँ, देखो बेटा, कोई भी कपड़ा फटा पुराना हो ना तो फेंकना नहीं। जितना कपड़ा पुराना उतना उसमें अपनापन होता है, अपनेपन की गर्माहट होती है। और ऐसे कपड़े जब एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं तो इतने सुंदर दिखते हैं कि अमीर शहर वालों की भी नजर उस पर पड़ जाती है। भाई जी, आपकी तो इस पर कंप्लीट मास्टरी लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं कहा कि मास्टर नहीं, मुझे तो काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ, वैसे हमारे गांव की घर घर की औरत कथरी बनाती है। अब ये मचिंदर की बास्टरनी भाभी है ना, उसने एक गुदड़ी बनाई है अक्षर वाली, अक्षर लिखे है उसमें सुंदर। हाँ, भाभी की गुदड़ी तो सबसे निराली है। चलो चाचा ले आएंगे। ना बाबा, वो गुदड़ी तो भाभी ने अपनी अलमारी में रखी है, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती। छोटा चाचा बड़ी चाची से डरता है? डरता नहीं हूँ, मगर अरे तेरे भाभी का कोई सोने का गहना मांग रहा है क्या? जा 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 ले आ। जाओ ना अचंदर, हम भी देखे कैसी अजीब चीज है, और हम साथ में लेके थोड़ा ही जाएंगे। चलो चाचा, चुपके से ले आते हैं। ठीक है चलो। माँ, गोविंद भैया ने बस ले गए। कौन ले गए, क्या ले गए? गोविंद भैया वो लिखाई। लिखाई? अरे क्या बोल रही है तू? तुमने बनाई कचरी छोटा चाचा। अरे ठीक से बता ना, क्या किया गोविंद ने, छोटे चाचा ने क्या किया? वो दोनों तुम्हारी अलमारी से चुरा के ले गए। क्या चुरा के ले गए? तेरी कचरी। मेरी कचरी? मेरी कथरी को हाथ लगाया? कहाँ गए वो? गंगा माई के घर। बहुत ही सुंदर कल्पना है ना नितिन? It's really beautiful. बहुत सुंदर है, आपकी भाभी तो कलाकार है। हाँ, ऐसी गुदड़ी तो गांव में शायद ही किसी ने बनाई होगी। उस जैसी दूसरी औरत भी तो नहीं है गांव में। वो तो स्कूल में चपरासन है। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो वो है मास्टरनी बहू, है ना? मच्छिंदर मर गए, भाभी आ गए। मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने कुछ नहीं कहा भाभी। वो गोविंद बोला थी, वो गंगा ने बताना मेरी कतरी को हाथ क्यों लगाया? तो नहीं, वो गंगा ने बोली, गोविंद ने कहा था मुझे। मैं बोलती। सुनिए सुनिए, माई जी ने कहा था कि आपकी सबसे सुंदर कथरी है इस गांव में, और इसमें मच्छिंदर का कोई दोष नहीं।
हम ही ने रिक्वेस्ट की थी कि हमको सबसे सुंदर कथरी दिखा दो। क्यों देखनी है मेरी कथरी? क्या है उसमें? हाँ, फटे पुराने कपड़े के टुकड़े? क्यों हाथ लगाए मेरी कथरी को? सिर्फ दिखाने में क्या है, दूसरे किसी का हाथ लगने से जल थोड़ी जाएगी। हाँ हाँ, जल जाएगी। इतना भी क्या गुरूर, कभी तो उसे धूप दिखाते जा, अलमारी में सड़के चूहे उसका भूसा बना देंगे, भूसा। हाँ हाँ, अलमारी में सड़ने के लिए बनाई मैंने ये कथरी। मुझे क्या पता इतनी आकर जाएगी। मच्छिंदर, क्या हुआ, तुम्हारी भाभी को इतना बुरा क्यों लगा? कोई खास बात जुड़ी है इस कथरी से? वो तो भाभी ने भैया के लिए बनाई थी, मतलब भैया ने प्रोफेसरी के लिए भाभी से बनवाई थी। बेचारी भाभी ने रात रात अकेले बैठकर उसे पूरी की। पर क्या हुआ? भैया गुदड़ी लेने आए ही नहीं। चलो निकले। नहीं यार, ऐसी बेचारी को रोती हुई छोड़ के थोड़ा चले जाएंगे। मैं आती हूँ। देखो परमेश्वरी, मैं तुम्हारी भावना अच्छी तरह समझ रही हूँ। मेरे पति भी यहाँ नहीं रहते, मेरा मतलब शहर में जहाँ मैं रहती हूँ, वो विदेश में रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। उनका काम ही कुछ ऐसा है, उन्हें ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है। वो डॉक्टर है और यहाँ गरीब देशों में फैली बीमारियों का अभ्यास करते हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ रहना पड़ता है। उनके साथ दूसरे डॉक्टर भी हैं जो उनके साथ काम करते हैं, इसीलिए मेरा उनके साथ हमेशा रहना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। शुरू में जब वो जाते थे तो मैं भी बहुत अकेली पड़ जाती थी, बुरा लगता था। फिर धीरे धीरे लगने लगा कि ऐसे घर बैठने से तो अच्छा है दिल बहलाने के लिए कुछ काम वाम कर लूं। फिर बाद में ये लगने लगा कि सिर्फ दिल बहलाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। क्या है कि हमारे घर का खर्चा उनकी आमदनी में अच्छी तरह पूरा हो जाता है, मेरी अपनी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब भी वो विदेश से वापस आते थे या जाने लगते थे तो अपनी कुछ जरूरतों के लिए उनसे पैसा मांगना पड़ता था कि ये होने वाला है या वो खरीदना है तो कुछ पैसा दे दीजिए। तो अच्छा नहीं लगता ना, लगने लगता है कि अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मैं खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा लेती। और वैसे भी मैंने पढ़ाई वढ़ाई की हुई है तो उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। मैं अपनी कथरी नहीं बेचूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। तुम्हें लगता है ना कि आज तक जो हम औरतें घर में इस्तेमाल की चीजें बनाती आई हैं, उन्हें बाहर बेचना बुरी बात है। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। घर के कामकाज, ये सब सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये लोग तो हम आदतन ही अच्छी तरह कर लेती है ना, तो अपने हाथ की कुशलता को बेचने से, कुछ पैसे कमाने से हमारी कुशलता या इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। घर की थोड़ी आमदनी भी बढ़ जाती है और घर का काम भी चलता रहता है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम गांव की दूसरी औरतों से भी बात कर लो, उनके साथ मिलके कथरी बनाने और बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देती। तुम तो एकदम चुप हो गई हो। देखो, मेरा इरादा तुम्हारा अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? तुम्हारी बात समझ रही हूँ। तुम्हें लगता है ना कि आज तक जो हम औरतें घर में इस्तेमाल की चीजें बनाती आई हैं, उन्हें बाहर बेचना बुरी बात है। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। घर के कामकाज, ये सब सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये लोग तो हम आदतन ही अच्छी तरह कर लेती है ना, तो अपने हाथ की कुशलता को बेचने से, कुछ पैसे कमाने से हमारी कुशलता या इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है।
घर की थोड़ी आमदनी भी बढ़ जाती है और घर का काम भी चलता रहता है। सुनिए, मैंने सोच लिया है, आप ठीक कहती है, लेकिन ये कथरी मैं नहीं बेचूंगी, इसे आप रख लीजिए ऐसे ही मेरी तरफ से। बेचने के लिए मैं दूसरी कथरी बनाऊंगी। नहीं परमेश्वरी, ये कथरी तुमने एक विशेष भावना से बनाई है, मैं तुमसे ये नहीं लेना चाहती। और वैसे भी मैं तुम्हारी ये कथरी खरीदने की बात नहीं कर रही थी। एक मिनट नितिन, वो धनियापुर की औरतों ने जो टमाटर का रस निकाल के बेचने की सहकारी मंडली बनाई है, तो क्या यहाँ के लोग ऐसा ही नहीं कर सकते कथरियों के साथ? हाँ क्यों नहीं, मगर हाँ या ना कहने के पहले हमें गांव की औरतों के साथ एक मीटिंग करनी होगी। अगले शुक्रवार हम लोग आ रहे हैं ना वीर बांध से, या नहीं? शुक्रवार 5, 6, 7 हाँ आ सकते हैं। ग्रेट, तुम ऐसा करो परमेश्वरी, अगले शुक्रवार को मिलते हैं, तुम गांव की 15-20 औरतों को इकट्ठा कर सकती हो? जी। तो ठीक है, अगले शुक्रवार उन सबको लेके आ जाना अपनी इस सुंदर कथरी के साथ। और ये कथरी? ये पहली कलम वाली कथरी तुम अपने पति के लिए रखो परमेश्वरी। शुक्रवार को बराबर भैंस बराबर